जोशीमठ लगातार धंसता जा रहा है। पिछले सिर्फ 12 दिनों में ही जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर तक जमीन के अंदर समा गया है। ये खुलासा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने की है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ शहर की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि कैसे जोशीमठ धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। इसरो ने सैटेलाइट फोटो जारी कर बताया है कि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। इससे पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर धंस गया था। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने कहा है कि दिसंबर और जनवरी के पहले हफ्ते के बीच जमीन के तेजी से धंसने की घटना शुरू हुई थी। इसरो ने सैटेलाइट से 7 से 10 जनवरी तक जोशीमठ की फोटोज ली थी। इसरो ने बताया है कि अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। इन 7 महीनों में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर धंसा है, लेकिन 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक के 12 दिनों में ही जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया, यानी ये काफी तेज गति से बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर सहित सेंट्रल जोशीमठ सब्सिडेंस जोन में दिखता है। सबसे ज्यादा धसाव जोशीमठ ओली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे धसाव का क्राउन कहा जाता है। वहीं जोशीमठ का निचला हिस्सा अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर बसा हुआ है, ये भी धस रहा है। हालांकि ये इसरो की प्राइमरी रिपोर्ट है। बता दें कि जोशीमठ में धसाव की वजह से 700 से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं। सड़कें, हॉस्पिटल्स, होटल्स भी दरक रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि सैकड़ों परिवारों को जोशीमठ से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसी बीच राज्य सरकार ने 1.5 लाख रुपए के अंतरिम राहत पैकेज की घोषणा की है। बता दें कि जोशीमठ में भूधसाव का विश्लेषण करने के लिए कई विशेषज्ञ टीमों को लगाया गया है। हालांकि इसके पीछे स्थानीय लोगों ने NTPC प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदने के काम को दोषी ठहराया है। दूसरी तरफ NTPC ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि उनकी सुरंग जोशीमठ के नीचे से नहीं गुजर रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।